गढ़वाराम जी कनावल को आमंत्रित कर रहा हूँ। गढ़वाराम जी कनावल नमस्ते नमस्ते। इसके बाद मैं तेज पत्ते को आमंत्रित कर रहा हूँ। तेज पत्ता जी अगर भी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। क्या नाम रखे हैं? इसके बाद मैं तोतला सेठ को आमंत्रित कर रहा हूँ। तोतला सेठ अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्ते नमस्ते। इसके बाद मैं पीके गिरपुरे को आमंत्रित कर रहा हूँ। पीके रहते हैं। दारू 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 दारू। सर पिन निकल केबल निकल के साथ। विशाल हो गई। ऑर्गेनाइजर ने किसी तरह जुगाड़ करके इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। ये इसीलिए जुगाड़ू कवि सम्मेलन है। पता नहीं कहां कहां से इन्होंने जुगाड़ किया है। ये ऑर्गेनाइजर है मेड़ा सिंह। ये मेड़ा सिंह ने पता नहीं एयर की टिकट भी दी और लाया रेलवे में। नमस्ते नमस्ते। इसके बाद इस कार्यक्रम के होस्ट टेड़ा सिंह को आमंत्रित करूंगा कि वह कवि सम्मेलन का पूरा प्रभार संभाले। टेड़ा सिंह नमस्ते। मेरे भाइयों तथा उनकी बहनों साइकिल की चेनों आपके सामने हाइड्रोजन बम की तरह प्रस्तुत है कुछ हास्य कवि। सबसे पहले बुलाना चाहूंगा श्रीमान मधुरम जी हलवाई। आइए शांति लगे शांति 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 शांति। तो हम आपके सामने एक गीत सुनाने से पहले एक कवि शुरुआत कर रहे हैं कि हम यही खड़े हैं ना हम बदल रहे हैं ना मोटे हो रहे हैं। हम यही खड़े हैं हम ना बदल रहे हैं ना मोटे हो रहे हैं। कम बत ये कपड़ों की शरारत है कि ये अपने आप ही छोटे हो रहे हैं। हम आपके सामने एक गीत सुनाना चाहेंगे मेरा जी के कमल। चलो ठीक। हमने भाई बड़े गंदी राइटिंग में लिखा है पर बड़ी शिद्दत और दिल को पास में बैठा के लिखा है भैया समझे। बिल्कुल कोई नुकसान मेरा परिचय पहले देता हूँ। मैं 50 के हाइट कवि सम्मेलन में गया लेकिन यह पहला ऐसा कवि सम्मेलन है जिसमें टेढ़ा सिंह ने मुझे पहली बार इस मंच पे बोलने का मौका दिया है। तो मैं पहले मेरा परिचय दूंगा। मैं बचपन में दो बस पे होकर घूमता था। मिठाक लग रहा है इतने स्वादा जैसा बैठा बसा वाली कुर्सी माता कितने मोटी कुर्सी कितने वाली आ गए।
ये भाई यहाँ से लेके बोला तू आई कवि सम्मेलन की मैं बदला गया कह रहा मैं गुरु जी से मिलाऊंगा। मैं बचपन से ही अपने गुप्ता जी के साथ रहकर कविता पाठ करना सीखा है तो मैं उसका पूरा श्रेय गुप्ता जी का दे रहा। ये गुप्ता जी मोबाइल ले समय नहीं हुआ आपको तेरे मोबाइल ले लेगी बोल गए बात पढ़ती नहीं है कवि सम्मेलन में आया तेरा मागा ये हम रमी करे वहां चलो मैं आपको पहले एक गीत सुनाऊंगा। मेरी आज पत्नी से लड़ाई हो गई मेरी पहली पंक्ति में ऐसा क्या बोल दिया तुमने इतना मजाक मैंने क्या बोल दिया मैंने पहले पत्नी से लड़ाई होगी वो बोल दिया। अरे वो साहब की झगड़ा था आप कितना बैठा है पूछा गोभीता की झगड़ा साहब ने गोभीता की झगड़ा साहब क्या होगा आगा करो पड़े तो मैं वापिस सुनाता हूँ। मेरी आज अरे यार इस मूर्ख ने मूड खराब कर दिया मेरा इसलिए मैं ये कविता नहीं बोलूंगा। ये कविता बोलने के लिए कुछ मूड चाहिए इस मूर्खों को पता ही नहीं है तो मैं चलो एक दूसरी कविता बोल के इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तुम दूर सही मजबूर सही तुम दूर सही मजबूर सही याद तुम्हारी आती है जब बदबू वहां से लेती हो जब सांस वहां से लेती हो तो बदबू यहाँ तक आती है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माफ कीजिएगा भैया आपको एक बार फिर से फोकटिया कवि का कश्यु हुआ दूसरे कवि को बुलाने से पहले कविता फिर से ऐसे करता हूँ सबका करो आदर की गाय मंदिर सबका करो आदर पैर उतने ही पूरे करो जितने लंबी चादर पैर उतने ही पूरे करो जितने लंबी चादर तो बुलाना श्रीमान प्रणाम करो भी जिन्होंने असेंबली में रहकर इन्होंने बम फेंका लेकिन इनका फटा नहीं क्या बम बैठ जाइए आशीर्वाद चाहूंगा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा अल्फाज पर ध्यान दीजिएगा ये भव्या सुनने वाली बात है अगर प्यार मोहब्बत से सुनोगे तो सुनाऊंगा और अगर प्यार मोहब्बत से नहीं सुनोगे तो भी सुनाऊंगा। अबे बीड़ी फेंक नीचे क्यों कवि सम्मेलन की गरिमा गिरा रहा है कोई बीड़ी नहीं पिएगा कोई गुटखा नहीं खाएगा नहीं तो चमार खींच के मारेंगे हम शुरू करेगा बहुत जल्दी है तुझे दूसरे कवि सम्मेलन में जाना है क्या। आशीर्वाद चाहूंगा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा दूर से देखा तो शेर नजर आया दूर से देखा तो शेर नजर आया वाह वाह मंचन हो रहा है मंचन सरस्वती की कृपा बरस रही है। अरे फूस थक गया हमारा दिमाग नहीं वायरिंग अब तारा गल में तो करूंगा फायरिंग। अरे भाई तुम आ जाओ तुम्हें हिम्मत है तो शेर का मामला है शेर को संभाल दो शेर को। अबे इज्जत से बात कर इज्जत से। अब मैं शुरू करना चाहूंगा पूरे मोहल्ले ने मेरे सामने था पानी भरा पूरे मोहल्ले ने मेरे सामने था पानी भरा क्योंकि सरकारी नल मेरे घर पे था गड़ा। धन्यवाद तेरे को आशीर्वाद तू इससे पहले तू निकल। धन्यवाद धन्यवाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। माफ कीजिएगा इन फोकड़िया कवि का यहाँ भी असेंबली की तरह यहाँ भी बम नहीं फूटा तो दूसरे कवि को बुलाने से पहले एक बार दूसरी कविता सुनाता हूँ। कि लोहे पे लगी जंग को कहते हैं रस्टिंग लोहे पे लगी जंग को कहते हैं रस्टिंग। अरे भाई अब तो दिला दो सेकंड ग्रेड वालों को पोस्टिंग। अरे बोल रहा हूँ श्रीमान तेजपत्ता फ्रॉम कलकत्ता आइए गुलपी जी गुलपी 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 जी बोल दे। नमस्कार भाइयों एवं बहनों मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए आपका धन्यवाद तो मैं अपनी कविता को पेश करता हूँ। गाड़ी चल रही पीछे बैठी सवारी गाड़ी चल रही पीछे बैठी सवारी आगे 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 ड्राइवर। मैं अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करता हूँ। दूर से देखा तो संतरा था पास गया तो भी संतरा चील के देखा तो भी संतरा था खा के देखा तो भी संतरा था वाह क्या संतरा था। मैं अपने एक दूसरी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ऐसी वाणी बोली है कि सबसे झगड़ा हो ऐसी वाणी बोली सबसे झगड़ा हो पर उससे झगड़ा ना करिए तो अपने से तगड़ा हो। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। यहाँ कवि बहुत अच्छे थे हाँ
तो दूसरे कवि को बुलाने से पहले दूसरी कविता सुनाता हूँ, दूसरी कविता सुनाता हूँ कि हस्ती थी हसाती थी दूर से देखो तो शर्माती थी, हस्ती थी हसाती थी दूर से देखो तो शर्माती थी, आज पता चला कि वो एक पागल थी, आज पता चला कि वो एक पागल थी। तो दूसरे कवि को बुलाता हूँ, श्रीमान तोतला से आइए आइए। थैंक यू मुझे इधर आमंत्रण देने के लिए थैंक यू। मेरी दो कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी पहली कविता, मजनू ने लैला से कहा, मजनू ने लैला से प्यार किया। ए मजनू क्या है? मजनू अरे मजनू नहीं पता, मजनू 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 ही बोल रहे। मजनू ने लैला से प्यार किया तलगती चमत्कल, मदनू ने लला से प्यार किया तलगती तमत्कल, उसके बाप ने उसे डला डला अगरबत्ती तमत्कल। मेरी दूसरी कविता, मदनू ने लला से प्यार किया लला तमत्कल। लला क्या है? अले चला। हाँ वही चला। अले चला। हाँ भैया। मदनू ने लला से प्यार किया लला तमत्कल, मदनू ने थैला से प्यार किया थैला से मतकल, उसके बाप ने उसे खा लिया केला से मतकल। वाह वाह। निकल ये तोपले, चल निकल ये तोपले। माफ भी दिया था आपको। थोली 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 माफ 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 कीजिएगा, माफ कीजिएगा। दूसरे कवि को बुलाने से पहले एक बार दूसरी कविता सुनाता हूँ। तो मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़े, बाद में चलकर रिक्शा कर लेंगे, बाद में चलकर रिक्शा कर लेंगे। तो हम बुलाता हूँ श्रीमान पीके गिर पड़े, जो कभी भी अपनी आदर्श भूल जाते हैं। तो आइए श्रीमान गिर पड़े। ए बेवड़े को उठा, नमस्कार भाई और तथा बहनों, आज आपका 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर स्वागत है। आज हम इस लाल किले की प्राचीर से ये अरे वो वाला दे देन। तो कविता बोलना चाहता हूँ, एक ध्यान से सुनेगा। इतना कमजोर हो गया मैं तेरी मोहब्बत से। हेलो मैं कैसे, इतना कमजोर हो गया मैं तेरी महावत से, इतना कमजोर हो गया मैं तेरी महावत से, इतना कमजोर हो गया मैं तेरी जुदाई से। अब तो साले खटमले में उठा ले जाते हैं चार पाई। वाह वाह। साले पहले कभी मैं दम था, तो मैं खटमल में दम था समाज।